श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय CFT, जो आपका चुंबकीय गुण है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी CFT थ्योरी है, उसके आधार पर अपन है जो करने वाले। देखिए जहाँ तक अपन बात करें जो CFT है मेनली आपका क्या करता है कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपका यौगिक क्या करता है, रंग प्रदर्शित करता है। उस गुण की व्याख्या जो है ये सबसे आसानी से कर देता है, जिसके आधार पर अपन इनमें चुंबकीय गुणों की भी व्याख्या है अपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर अपन बात करें तो अपने जो प्रीवियस वीडियोज हैं, प्रीवियस वीडियोज में अपन ने D1 जो आपका विन्यास था, D2 विन्यास था, D3 विन्यास, D4, D5, D6 और D7, ये जो विन्यास है यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं। देखिए अगर अपन बात करें, अगर एक जनरल इंट्रोडक्शन शुरुआत का वापस देखें कि अपन ने बात की थी कि भी जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होकर उच्च ऊर्जा के कक्षक और निम्न ऊर्जा के कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी आपका जो कक्षक है डी ऑर्बिटल, ये आपका विपाटित होता है ईजी कक्षक और T2g, जिसमें ईजी आपका उच्च ऊर्जा कक्षक है और T2g निम्न ऊर्जा कक्षक है। इनमें स्प्लिट होने के बाद ये क्या करता है, इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो लोअर एनर्जी आपके ऑर्बिटल हैं T2g वाले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें स्टार्ट होता है। D1, D2 आपके D3 जो आपका विन्यास होगा वहाँ आपको ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बदलेगी कि जिसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, डिस्टर्ब हो। यानी D1 आपके D1, D2, D3 इनके लिए जो लिगेंड की प्रेजेंस है वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखी जाती, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जैसे D4 विन्यास, D5, D6, D7 ये विन्यास स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो आपकी लिगेंड की नेचर है उस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है। इसका मीन ये अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायर एनर्जी के अंदर भी हो सकता है और लोअर एनर्जी के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और उसके आधार पर अपन ने इन सब से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उससे रिलेटेड अपन ने बात की। आज यहाँ पर जो अपन इसमें डिस्कस करेंगे, जनरली आपका एक तो जो D8 विन्यास है, आपका D9 और लास्ट आपका D10 विन्यास, ये विन्यास जिन के अंदर पाया जाएगा उसके लिए अपन बात करें। तो शुरुआती अगर बात करें कि तीनों जो आपके धातु आयन है इससे रिलेटेड डी ऑर्बिटल से, तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये सब के सब क्या है, संकुल बढ़ाते हैं, सभी के सभी संकुल बढ़ाते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल की यही तो खासियत होती है कि डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं, सहसंयोजक यौगिक बढ़ाते हैं। जिनमें अगर बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहां पर अगर बात करें जैसे आपका D8 विन्यास है तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, D9 विन्यास है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और D10 यहां पर बात करें तो 0। ये इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण पाया जाता है, क्या है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब यहां पर आपको जो दूसरी चीज समझनी है कि भी इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ये इस तरह से हो रहा है तो यहां पर इसके द्वारा संकुल किस तरह से बनाए जाएंगे। तो यहां पर जो संकुल है अगर उसकी बात करें तो यहां पर एक संकुल मिलता है Ni+2 निकल, निकल के लिए बात करें तो 3D8 4S2 होता है, तो क्या देखने को मिलता है D8 विन्यास, तो NS+2 है, तो यहां पर निकल का विन्यास किसमें देखने को मिलेगा, D8 विन्यास है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि भी जो है आपका एक तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड, और एक जुड़ा हुआ है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
उनकी संख्या सामान्यतः क्या होगी, इसमें और इसमें कंपेरेटिवली आपको अलग अलग देखने को मिलती है कि भाई इसमें आपको अलग तरीके से मिलेगा और इसमें अलग तरीके से। जैसे मैं यहां पर आपका एक स्प्लिट दिखा रहा हूं ऑर्बिटल के अंदर, जैसे ये अपना बी ऑर्बिटल है, इसमें बी एट विन्यास है, देखिए शुरुआत में अपन ने बात की थी कि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहां पर अगर आपका बी फिल लिगेंड है तो आपको ये स्थिति देखनी होगी। अब देखिए ये कहां तक हो गया, D7 और D8, तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, अगर आपका बी फिल लिगेंड है तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी मिलेगी आपको, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर भी D8 विन्यास आपको सेम टू सेम मिलेगा, मतलब यहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दो। अब इसको समझ रहे हैं, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन बड़ा फिर 2 फिर 3 4 5 6 और दो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले पे, तो दोनों में स्थिति आपको कैसी मिलेगी, समान स्थिति देखने को मिलेगी जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों। तो यहां पर अपन एक चीज कह सकते हैं कि सामान्यतः जो D8 विन्यास रखने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर आपके लिगेंड की जो नेचर है, आपकी लिगेंड की नेचर का कोई प्रभाव है सामान्यतः सामान्यतः आपको इसमें वो आपको नहीं दिखाई देता। अब यहां पर अगर बात करें कि भाई यहां पर D9, तो D9 के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की आपकी यहां पर वृद्धि होती है वही आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। अब यहां पर चीज समझनी आपको कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कि दोनों में इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है वो कितना है एक एक आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आपका D10 विन्यास हो, D10 विन्यास के अंदर अगर स्थिति देखने को मिले तो सारे के सारे कक्षकों में क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है, इसका भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके नील हो जाती है या फिर कहते शून्य हो जाती है या जीरो कहते। तो यहां पर D10 के लिए आपको ये स्थिति देखने को मिलती है, ये आपका D8 है, ये आपका D9 है और ये आपका D10 विन्यास है। यहां तक अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर यहां पर इसमें देखें या फिर इसमें देखें, सबके अंदर जो विन्यास है वो आपको एक जैसा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर हो रहा है अपन उसकी बात करें तो जो T2g कक्षक है भाई उसमें तो इलेक्ट्रॉन आपको 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सब में वितरण मिलेगा। फिर बात करें फिर जैसे आपके D8 होता है तो यहां पर Eg2, यहां पर बात करें Eg3 और यहां पर Eg0 हो जाता है। तो यहां पर ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है D8, D9 और D10 कि भी जीरो उच्च ऊर्जा का कक्षक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे D8 के लिए, अगर बात करें D9 के लिए तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा और फिर बात करें कि D10 है तो पूरी कक्षक भर गए इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो हो जाती है। ये आपकी जनरली आपकी व्यवस्था पाई जाती है D8, D9, D10 के अंदर। अब यहां पर एक चीज और समझनी, ये तो आपके विन्यास के बारे में हो गया इससे रिलेटेड, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपका जो अपन ने अभी बात की कि भाई D8 है, D9 है, D10 है, तो D8 है, D8 के अंदर आपको क्या स्थिति देखने को मिलेगी, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। D9 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो अनुचुंबकीय गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। अब तीसरी चीज सुनिए,
तीसरी अगर अपन बात करें कि D10 है, अगर उसके लिए बात करें तो भाई यहाँ पर तो D10 विन्यास है, पूर्ण भरे हुए कक्षक है, एडमिट इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर अनुचुंबकीय की जगह आप पूर्ण रूप से प्रतिचुंबकीय जो है स्थिति देखने को मिलेगी। इसीलिए आप देखते हो जिंक है प्रतिचुंबकीय है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विन्यास वाले यौगिक है जिनके अंदर भी प्रतिचुंबकीय है, तो अब यहाँ पर उसके बारे में समझना है। तो स्पेशल नोट करके आपको इसको समझना है क्योंकि ये इससे रिलेटेड आपका सवाल है, वो कई बार पूछा जाता है कि भाई पहला कि भाई डी ऑर्बिटल के अंदर D0 विन्यास हो तो प्रतिचुंबकीय, D10 विन्यास हो जो अभी डिस्कस किया प्रतिचुंबकीय। इसके अलावा बात करें अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर बात करें तो अगर D6 विन्यास हो, देखिए समझना आपको D6 विन्यास हो और आपका यौगिक कैसा हो अष्टफलकीय ज्यामिति वाला हो। ध्यान रखना अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल के लिए बात की है मैंने, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं किए। D6 विन्यास हो तो यहां पर सारे के सारे जो यौगिक बनाए जाएंगे प्रतिचुंबकीय होंगे और यहां पर रंगहीन यौगिकों का निर्माण किया जाएगा। यहां पर अपन कह दें तो द्विध्रुव आघूर्ण भी जीरो। ये इसके अलावा बात करें तो यहां पर कह दें सेंस सभी अपन कह दें संकुल, तो क्या होंगे भाई अनुचुंबकीय प्रकृति के। सेंस सभी क्या है आपके अनुचुंबकीय प्रकृति के हैं, वो आपको दिखाई देंगे जिनके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न किया जाएगा। और इनके लिए अपन अगर बात करें तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कभी भी शून्य नहीं होगा, कोई ना कोई मान इनके द्वारा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मान है अपन किसके रूप में लिखते हैं BM बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में अपन क्या करेंगे यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। सामान्यतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इसकी जो है गणना की जाती है। द्विध्रुव आघूर्ण है और उसकी क्या की जाती है यहाँ पर कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की जगह चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ पर क्या है चुंबकीय आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है चुंबकीय आघूर्ण है, आप उसको समझे क्या है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण है वो बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में यहां पर काउंट किया जाता है। अब यहां पर चुंबकीय आघूर्ण है सामान्यतः क्या किया जाता है जब ज्ञात किया जाता है तो यहां पर लिखा जाता है म्यू इक्वल्स टू एन एन प्लस, आपका देखो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या है बोर मैग्नेट्रॉन, क्या है आपका बोर मैग्नेट्रॉन और इसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण है उसकी गणना की जाती है। इस फॉर्मूले के द्वारा पर किसी भी आपके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। और यहां पर एन है वो अपन क्या कह सकते हैं यहां पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पे किसी भी आपके डी ऑर्बिटल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसकी व्याख्या करना और उसके आधार पर ये बताना कि भाई इनमें ये जो स्थिति है वो किसके कारण उत्पन्न हुई है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है उसका क्या रोल होता है। और उसके आधार पर अपन ने ये जो आपका आज का वीडियो है वो अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आज के वीडियो के रिलेटेड अपन ने अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप अपने भी आपके
जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बढ़ाते रहें और इस वीडियो को देखने लें। धन्यवाद।